एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है उसे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ। और इससे पहले की वीडियो में मैंने बाकी को सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। मतलब हमें बताना है क्यों ये जो दो नंबर गिवन है ये कंपोजिट नंबर है। अब देखिए, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अगर कोई नंबर है, अगर हम उसका फैक्टर करेंगे, अगर उसके फैक्टर दो या दो से ज़्यादा आ गए तो वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। कोई नंबर उसका अगर प्राइम फैक्टर करेंगे, अगर प्राइम फैक्टर उसका दो या दो से ज़्यादा आ जाता है तो उसका क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं कैसे है, इसको प्रूफ करना है। 7 × 11 × 13 + 13, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पहले 11 × 7 = 77 × 13 + 13, फिर अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1001 + 13, इसको इसमें ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा 1014। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा ये नंबर हमारा क्या है, अभी तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, अब हमें इसको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2507 times, फिर 3169 times, 13 × 13 = 16 एंड अगेन 13 × 1 = 13, ये हमारा क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका जब प्राइम फैक्टर आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा प्राइम कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर तो 1, 2, 3, 4 है और कंडीशन क्या थी कि दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। इसमें देखिए जब इसमें सॉल्व करेंगे 7 × 6 = 42, 5 यहाँ पे आई थिंक 4 है, 5 × 4 = 20, ऑल राइट यहाँ पे 4 है, 5 × 4 = 20, 3 × 2 = 6 एंड अगेन प्लस में 5, फिर इसको सॉल्व करेंगे 42 × 2 = 840 × 6 + 5, ठीक है। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 5040 + 5, अब इसको ऐड कर देंगे क्या जाएगा 5045। अब ये तो हमारी इक्वेशन अभी सिंप्लीफाई होके आई है, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने टाइम्स आ रहा है, 5 times, 5109 times, अब ये तो किसी टेबल में आ नहीं रहा तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए इसके फैक्टर में क्या मिल गया, 5 × 1009, मतलब 2, और मतलब इसके 2 फैक्टर हैं, ठीक है, और कंडीशन क्या थी, 2 या 2 से ज़्यादा। हम आंसर में क्या लिख देंगे, सिंस दोज नंबर हु हैज़ 2 और मोर देन फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर एंड दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज दे आर 2 फैक्टर और मोर देन, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड सोनी, मतलब एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के अराउंड, और क्या कह रहे हैं, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 round ऑफ द फील्ड, मतलब जो सोनिया है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट, और वाइल रवि टेक 12 मिनट, और जो रवि है वो वही सेम राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाते हैं, 12 मिनट। क्या कह रहे हैं हमें, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हम मान लेते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, मतलब वो दोनों अगले कौन से टाइम पे किस समय पे एक दूसरे से मिलेंगे। इसका जब एलसीएम निकालेंगे ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। फिर एलसीएम हमारा ये हो जाएगा, अगेन क्या लिख देंगे, सिंस 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 36 मिनट बाद वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और जैसे कि ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई एक्सरसाइज 1.1, अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी है कि जो बोर्ड में आ सकता है उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे जैसे बने रहिएगा इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।